हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू क्लास अपार्ट, योर फेवरेट चैनल. आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर. मेरा नाम है सोनम सूदन एंड आई एम हियर टू टीच यू क्लास सेवन्थ की इंग्लिश. बच्चों, सो वेल, ये है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर एंड एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 9, अ टाइगर इन द हाउस. एंड दिस चैप्टर इज अबाउट, ऑफ कोर्स, टाइगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. दिस चैप्टर इज अबाउट अ टाइगर जिसको घर में एज अ पेट पाला जाता है. वेल, इज दैट रियली पॉसिबल? Even I need to think. So yes, without any further ado, let's go ahead. Bachcho, you all can ace your school exams with an Academy Ki Plus subscription. Use my code SOS10 to buy your subscription. Then here it is, bachcho. My name is Sonam Sudan. I'm your English educator. मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ class 7th की English. और अभी हम लोग कर रहे हैं an alien hand का chapter number 9. सो ये इट इज़ बच्चों, आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी क्लास 6 पर देखा ही होगा. अन अकेडमी क्लास 6 के टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आपको हर एक सेशन का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे. नाउ व्हाट इज बग्स बाउंटी? बच्चों, आपको किसी भी अगर एजुकेटर का कॉन्टेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. देन एज अन अकेडमी आस्क डाउट, घर बैठे बैठे अनलिमिटेड डाउट्स पूछने का मौका मिलेगा आपको और जवाब में मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी. और जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो बहुत ही इंस्टेंट होंगे, बहुत ही एक्यूरेट होंगे. सो या, हाउ डू यू यूज इट? गो टू द अन अकेडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क डाउट, टेक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट, फिर उस पिक्चर को आप क्रॉप करें. क्रॉप करने के बाद में सब्जेक्ट मैच करें और फिर अपना क्वेश्चन भेज दें. विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. चलो बच्चों, टाइगर इन द हाउस पढ़ते हैं जरा हम, क्या हुआ है. जो टाइगर घर में है उसको क्या हुआ है, लेट्स सी. टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रैंड फादर इन तेराई जंगल नियर तेहरा. तो टिमोथी को जो ऑथर है उनके ग्रैंड फादर ने एक जंगल में डिस्कवर किया था. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. Intricate is bahut zyada complex. So, aur bahut zyada delicate. So, intricate roots, wahan pe banyan tree ki roots mein dadaji ko mila. Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. At first, the tiger cub, who was named Timothy by the grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by a cook. So, bachcho, finally, jo dada ji hain, unko ek jungle mein Timothy mil gaya hai, theek hai? Tiger, chota sa ek tiger cub mila hai. Aur dada ji jo hain, wo unko le aaye hain tiger cub ko ghar mein. Uska naam rakh diya hai Timothy. तो जब बहुत ही छोटा था तो उसको सिर्फ दूध देते थे एक बॉटल में, और कुक जो था वो उनको दूध देता था. तो जो कुक था उसका नाम था महमूद, वो उसको दूध देता था. बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम एंड ही वाज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स. तो फिर धीरे धीरे ऑफकोर्स जैसे कि टाइगर की नीड्स होती हैं, उस डाइट को चेंज कर दिया गया. तो पहले तो खाली दूध देते थे, तो बाद में उसको पिजन्स, रैबिट्स और कॉड लिवर ऑयल, रॉ मटन, ये सब कुछ देना शुरू कर दिया, जो कि टाइगर की अच्छी डाइट होती है. टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियंस. टोटो द मंकी वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइम अप द कर्टन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेंपर. एंड अ स्मॉल मोगरल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर. तो टिमोथी जो था वो अकेला नहीं था, उसके दो कंपेनियंस थे. एक था टोटो जो कि मंकी था, और एक जो था वो था एक पपी जो कि अगेन जो दादाजी को रोड पे मिला था. तो जो टोटो था वो क्या करता था, मज़े से उसकी कान खींचता था, उसे मंकी होते ही बड़े शरारती हैं, तो ये कान खींचता था, उसे शरारत करता था, और फिर क्या करता था, झट से कर्टन पर चढ़ जाता था. जैसे ही टिमोथी अगर कभी इरिटेट होता था तो वो झट से कर्टन पर चढ़ जाता था. तो ये जो थे ये दो कंपेनियंस थे इसके. ये जो थे ये इसके दो कंपेनियंस थे. मम्मा, माली भाई आए, जाओ बाहर. एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर. ही कुड मेक एब्सर्ड डैशेस एट इट विद हिज लार्ज फोरपॉज एंड देन रिट्रीट to a ridiculously safe distance.
तो सबसे पहले शुरू शुरू में तो क्या होता था, टिमोथी जो होता था वो पपी से बहुत ज़्यादा डरता था, ठीक है। अगर वो कभी उसके पास आ जाता था तो वो जो है वो पीछे पीछे चला जाता, वो डरता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेज, डैश इज लाइक रनिंग एट इट विद हिज फोर पॉज एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। तो बेसिकली शुरू शुरू में टिमोथी जो था वो कुत्ते से बहुत ज़्यादा डरता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनी वन वुड प्ले विद हिम, एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंड फादर आई बिकेम वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट्स। तो क्या होता था बच्चों की शुरू शुरू में जो टिमोथी था वो तो कुत्ते को अपने बैग पर चढ़ने नहीं देता था, ठीक है, डरता था वो उससे। लेकिन धीरे धीरे जो था कुत्ते और उसके बीच में दोस्ती हो गई और फिर वो जो था वो उसके बैग पर चढ़ जाता था। और टिमोथी की एक आदत थी कि वो हर किसी को जो है जो भी उनके घर में आता था उस हर किसी को वो फॉलो करता था, स्टॉक करता था। स्टॉक करने का मतलब होता है फॉलो करना। तो वो हर किसी को फॉलो करता था जो भी दादाजी के घर पे आता था। तो देन व्हाट हैपेंड कि ऑफ कोर्स जब भी ऑथर अपने दादाजी के घर जाता था तो ऑटोमेटिकली टिमोथी जो था वो उसको फॉलो करता रहता था और वो मतलब दोनों की दोस्ती हो गई। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, suddenly making a dash for my feet, rolling over his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. तो शुरू शुरू में क्या होता था कि यू नो वो धीरे धीरे जो है इसके पास आता था ऑथर के, और फिर जो है मतलब ऐसे दबे पाँव उसके पास आना, उसके पैर पे अपनी पॉज रखना, और फिर उसके बाद में जो है अपने बैक पे रोल करना विद डिलाइट प्रटेंडिंग टू यू नो बाइट माई एंकल। सो एग्जैक्टली जैसे छोटे छोटे कुत्ते खेलते हैं ना, मुझे अपने ब्रूनो की याद आ रही है, तो एग्जैक्टली जैसे छोटे छोटे डॉगीज पपीज खेलते हैं वैसे वो भी खेलता। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुली ग्रोन रिट्रीवर, वो रिट्रीवर गोल्डन रिट्रीवर मेरा ब्रूनो। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ। तो वाइड बर्थ का मतलब है लाइक टू स्टे अवे, मतलब डर के पीछे हो जाए। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज ड्रॉइंग रूम, ठीक है। तो जो ये ऑथर था ये टिमोथी को जो है लेकर जाता था चेन में बंद करके, ही वुड टेक टिमोथी फॉर अ वॉक, और फिर लोग पीछे हट जाते थे बिकॉज लोगों को डर लगता था। और टिमोथी की फेवरेट जगह क्या थी, घर में ड्रॉइंग रूम में, वो सोफे पर चढ़ के मज़े से बैठ जाता। ही वुड मेक हिमसेल्फ कम्फर्टेबल इन द लॉन्ग सोफा, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नार्लिंग एट एनीवन who tried to get him off. The snarling matlab aise gusse se dekhna. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. To Timothy jo tha wo apne aap ko kafi saaf maintain karta tha, apna face acche se scrub kar leta tha. Mujhe exactly Bruno ki yaad aa rahi hai, Bruno bhi yehi karta hai. He slept at night in cook's quarters and was already delighted at being let out in the morning. To वैसे तो वो कुक जो था कुक के क्वार्टर्स में सोता था और बहुत ही खुश हो जाता था जब हम उसको सुबह सुबह भेज देते थे बाहर। ओके, सो ये देखो बच्चों टिमोथी जो है, ये टोटो जो है ये इसके साथ जो है खेलता है, उसकी टेल खींचता है और फिर इधर चढ़ जाता है, फिर ये छोटा सा कुत्ता है। तो टिमोथी हैड अ नाइस टाइम, ठीक है। ओके, वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन अ प्रोफेटिक मैनर, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज। तो बेसिकली जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा ही डरती थी कि शायद किसी ना किसी दिन टिमोथी जो है वो कुक को खा ही देगा, मार ही देगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम, ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली। तो ऑफकोर्स टिमोथी ने कभी मारा तो नहीं या खाया नहीं किसी को, बट 6 महीने का जब वो हो गया उसके बाद में वो कम फ्रेंडली हो गया। When out for walk, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. तो ऑफ कोर्स अब टाइगर है तो उसको खाना तो है ही जानवरों को, राइट। तो वो कभी ना कभी मतलब जब भी उसको वॉक पर लेके जाते थे तो या किसी का कुत्ता या किसी का बिल्ला वो खाने को दौड़ता था। Sometimes at night he would hear frenzied crackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying over the veranda. So frenzied is मतलब एकदम पागल कर देने वाला, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। तो कई बार इनको क्या होता था कि रात को ऐसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी,
बेसिकली, और सुबह उठते थे तो उनको फेदर्स दिखाई देते थे वरांडा में पड़े हुए. तो बेसिकली टिमोथी क्या करता था कि शायद रात को कहीं कुछ पिजन वगैरह, कोई भी चिड़िया वगैरह कुछ भी आती थी तो उसको खा लेता होगा, ठीक है. एंड फाइनली व्हेन ही बिगैन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक अ विलेनियस इंटेंट, ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू ज़ू. तो फाइनली क्या हुआ, जब इनको टिमोथी से थोड़ा सा डर लगने लगा कि भाई अब तो ये जो है मतलब किसी ना किसी को खा ही देगा, तो ऑटोमेटिकली उनने पापा जो दादाजी उन्हें डिसाइड किया कि अब उसको हम जू में जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है. लक ओके डिसाइडेड हिम टू ट्रांसफ़र टू लखनऊ, ठीक है, वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव अ गिफ्ट एज वेल फेड एज अ टाइगर. रिटर्न हाँ इसके लिए बंद कर दो दरवाज़ा और वो गेट भी बंद कर. ठीक है, सॉरी फॉर दैट बच्चों, बहुत डिस्टर्बेंस है, वेरी सॉरी. मैं मेरे रूम में ना कोई प्राइवेसी नहीं, वेरी सॉरी फॉर दैट. ओके, तो फाइनली बच्चों क्या हुआ कि अभी डिसाइड हुआ कि ग्रैंडफादर को जो है, ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि इसको हम जू में जो है छोड़ देंगे, ठीक है. तो अबाउट सिक्स मंथ्स लेटर व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग द रिलेटिव्स इन लखनऊ, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन. It was not there to accompany, I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. Okay. So, bachcho, hua kya finally ki inhone jo hai decide kiya ki hum jo hai isko zoo mein chhod denge, usko zoo mein chhod diya. To zoo mein hi tha wo 6 mahine ke liye, aur finally kya hua ki inhone ab ek bari jo hai inke jo grandfather hai wo wahan पर गए जू में 6 महीने तक. 6 महीने के बाद उन्होंने डिसाइड किया चलो चलते हैं और जू में जाकर उसको मिलाते हैं. अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड. द टाइगर वाज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट. तो फाइनली क्या हुआ, जब दादाजी यहाँ पर गए तो उन्होंने देखा टाइगर जो है वो वहाँ पे एक मतलब एक कॉर्नर में क्राउच मतलब ऐसे सुकड़ के बैठा हुआ था, ठीक है. हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज नेक. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज इयर्स एंड व्हेनेवर ही ग्राउल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ व्हिच वाज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट. तो अभी क्या हुआ, दादाजी बहुत खुश हैं टिमोथी से मिलके, तो जा रहे हैं उसको प्यार से मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं मुंह पे ताकि वो चुप हो जाए, और उसको ऐसे से जो है अच्छे से मतलब हाथ फेर रहे हैं उसके ऊपर. तो मतलब बड़ा ही टाइगर के साथ दादाजी बहुत ही मस्ती कर रहे थे. ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नॉल्ड एट हिम. ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स. बट एवरी नाउ एंड देन व्हेन द लेपर्ड वुड रश टू द बार्स ही वुड स्लिंग बैक टू द कॉर्नर. तो बेसिकली दिख क्या रहा है कि जो ये टाइगर है छोटा, ये जो टाइगर है ये उस लेपर्ड से डर रहा था, तो जब भी लेपर्ड कहीं पास आए तो वो जो टाइगर है वो पीछे हो जाए, कोने में छुप जाए, बट जब वो जाना चाहे तो वो दादाजी के साथ बड़े मजे से खेल रहा था. सेवरल पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग. तो बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे इकट्ठे हो गए देखने के लिए, भाई ये तो मज़ा ही आ गया देखने का. तो फिर क्या हुआ कि जो कीपर था वहाँ पे, कीपर ने उसको ग्रैंडफादर को पुश किया वापस, मतलब लोगों को पुश किया वापस कि भाई जाओ यहाँ से, और मतलब भीड़ वहाँ से हटा दी. तो उसने ग्रैंडफादर को पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप. तो ग्रैंडफादर ने बोला आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, वांट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months अगो. दादाजी बोलते हैं उस कीपर को, क्या तुम यहाँ पर नहीं थे जब मैंने 6 महीने पहले इसको दिया, तो मैं टिमोथी से तो बातें कर रहा हूँ. आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड दी सरप्राइज्ड कीपर, प्लीज कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑलवेज वेरी वेरी बैड टेम्पर. तो कीपर बोलता है मैंने खुद इसको कभी टच नहीं किया, वैसे आप अपनी कॉन्वर्सेशन के साथ कंटिन्यू करो क्योंकि मैं खुद इसे बहुत डरता हूँ, ये हमेशा इल टेम्पर मतलब गुस्से में रहना, ये हमेशा खुद गुस्से में रहना.
Why don't you put him somewhere else? Suggested the grandfather. The leopard keeps frightening him. I'll go and see the superintendent about it. ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया कि भाई तुम इसको कहीं और क्यों नहीं रखते हो, मतलब ये जो लेपर्ड है ये इसको डराता रहता है, तो टिमोथी को उठा के कहीं और रख दो, तो मैं सुपरिटेंडेंट से जाके इसके लिए बात करता हूँ। ग्रैंड फादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर लिटिल व्हाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। तो फाइनली जब ग्रैंड फादर गए सुपरिटेंडेंट के पास पता करने के लिए, तो पता चला कि वो चले गए हुए थे वहाँ से, ठीक है। तो फाइनली अब हमने बोला वो तो चले गए हैं, बात तो हो नहीं पाएगी, तो चलो मैं टिमोथी को ही गुड बाय कर देता हूँ। तब तक अंधेरा भी होने वाला था, तो दादाजी गए, उन्होंने टिमोथी को गुड बाय कर दिया, ठीक है। दादाजी ने टिमोथी को गुड बाय कर दिया। इट वॉज बिगिनिंग ओके, ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स व्हेन ही फाउंड अदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म। तो क्या हुआ कि फाइनली उसने देखा दादाजी को, उनको मजे से, उन्होंने कहा चलो गुड बाय करता हूँ टिमोथी को, तो थोड़ा सा उसको मतलब स्ट्रोक कर रहे हैं, मतलब ऐसे मतलब प्यार से सहला रहे हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई कीपर है कोने में जो कि उनको ऑब्जर्व कर रहा है। ग्रैंड फादर रिकग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। तो ग्रैंड फादर को पता चल गया कि वो जो कीपर है वो वही है जो तब था जब टिमोथी जू में आया, मतलब दादाजी टिमोथी को जू में छोड़ने आए थे। यू रिमेंबर मी सेड द ग्रैंडफादर, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। तो दादाजी बोलते तुम्हें याद हूँ मैं, तो तुम अभी इसको ट्रांसफर कर दो किसी और केज में, इस स्टूपिड जो लेपर्ड है इसके अलग, तुम तो मेरे को जानते ही हो। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट्स नॉट योर टाइगर। आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेस्शन और टू फ्रॉम मी। तो दादाजी बोलते मेरे को पता है, मेरे को पता है भाई ये मेरा नहीं है, बट कम से कम आप मेरे से सजेशन तो ले लो, ठीक है। यू माइट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी। नाउ लेट्स गो अहेड। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 months अगो। डाइड एक्सप्लेन ग्रैंडफादर, यस ऑफ निमोनिया। इसको पता चला फाइनली कि दादाजी जो टाइगर था वो तो मर गया है, वो तो 2 महीने पहले ही मर गया, कीपर बोलता है। तो दादाजी एकदम हैरान हो जाते हैं, मर गया, ओ माय गॉड, बोलता है यस ऑफ निमोनिया। दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही वाज वेरी वेरी डेंजरस। तो फिर क्या हुआ कि वो बोलते हैं यस बिल्कुल वो मर गया, वो 2 महीने पहले उस बेचारे को निमोनिया हुआ और मर गया, और ये जो टाइगर था ये तो हम 2 महीने पहले ये हिल्स में ट्रैप था, हम इसको वहीं से लाएं, बहुत ही डेंजरस है। ग्रैंड फादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रिलिश। ग्रैंड फादर टुक व्हाट सीम्ड टू बी एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज विद हिज फेस नियर द टाइगर। ही मंबल्ड गुड नाइट टिमोथी एंड गेव द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, वॉक्ड ब्रिस्कली आउट द ज़ू। स्कॉर्नफुल इज गुस्से वाली। तो अब दादाजी शॉक में आ गए कि टिमोथी जो है वो निमोनिया से मर गया, उसकी बिल्कुल क्लियर केयर नहीं हुई है। सो या फाइनली अब दादाजी उसी को टिमोथी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो भी दादाजी के लव को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट्स हाउ एनिमल्स रिस्पॉन्ड। ओके बच्चों, सो अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर खरीदें अगर आपको और भी डिटेल करनी है इस चैप्टर के बारे में। आई एम रियली सॉरी बच्चों, आज की वीडियो में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, माई अपॉलोजीज। बट या अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बता देती हूँ आपको। घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर ट्यूटरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज। और बच्चों इस सब का प्राइस क्या है, 24 मंथ्स 25,000, 18 मंथ्स 20,000, 15 मंथ्स 18,000, और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग SOS10। देन बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं, पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लान एंड ऑल दी बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड प्राइस क्या है, 2 साल 48,000, 18 मंथ्स 35,000, 12 मंथ्स 28,000, और इस प्राइस पर बच्चों 10% डिस्काउंट यूजिंग SOS10। एंड बच्चों डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SPSO10 टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेज एंड फ्री टेस्ट सीरीज ऑन द अनअकैडमी ऐप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।